पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक मंदिर हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। सिंध की राजधानी कराची जिले के बाड़ी कला गांव में माता का मंदिर सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। ये पहाड़ियां पाकिस्तान द्वारा जबरन कब्जाए गए बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र में स्थित हैं। यहां का मंदिर प्रधान 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंगलाज ही वह जगह है जहाँ माता का सिर गिरा था। यहाँ माता सती कोतकरी रूप में जबकि भगवान शंकर भीम लोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। कटासराज का शिव मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जिला चकवाल शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोहिस्तान नामक पर्वत श्रृंखला में महाभारत कालीन कटासराज नाम का एक गांव है। इस मंदिर परिसर में राम हनुमान और शिव मंदिर खास तौर से देखे जा सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब शिव जी की पत्नी सती का निधन हुआ तो वे इतना रोए कि उनके आंसू रुके ही नहीं और उन्हीं आंसुओं के कारण दो तालाब बन गए। इनमें से एक राजस्थान के पुष्कर में है और दूसरा यहाँ कटाश में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने सती से शादी के बाद कई साल कटासराज में ही गुजारे थे। यह मंदिर करीब 900 साल पुराना है। भगवान नरसिंह का मंदिर भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित पंजाब के मुल्तान शहर में है। इसे प्राचीन काल में श्री हरि के भक्त प्रहलाद का मंदिर के रूप में जाना जाता था। इस मंदिर का नाम प्रहलादपुरी मंदिर है। मुल्तान के विश्व प्रसिद्ध किले के अंदर बना यह मंदिर किसी जमाने में मुल्तान शहर की पहचान हुआ करता था। होली के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है। वैसे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यही नरसिंह भगवान ने एक खम्भे से निकलकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारा था। यह भी माना जाता है कि होली का त्योहार और होली का दहन की प्रथा भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची के इस 1500 साल पुराने पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज भी काफी लोग आते हैं। नागर पार्कर के इस्लाम कोर्ट में पाकिस्तान का यह इकलौता ऐतिहासिक मंदिर है। एक और पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची के शारजा शहर में बना है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार की सख्त जरूरत है। यहाँ के पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अद्भुत है। गुरु गोरखनाथ का मंदिर पाकिस्तान के पेशावर में गुरु गोरखनाथ मंदिर है। यह मंदिर 160 साल पुराना बताया जाता है। यह मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद पड़ा हुआ था, लेकिन पेशावर हाईकोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में इसे दोबारा खोला गया। गौरी मंदिर सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में है। पाकिस्तान के इस जिले में अधिकतर आदिवासी है जिन्हें थारी हिंदू कहा जाता है। मध्यकाल में बने इस मंदिर में हिंदू और जैन धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। मरी इंडस मंदिर पंजाब के कालाबाग में स्थित यह मंदिर मरी नामक जगह पर है जो कभी गांधार प्रदेश का हिस्सा थी। चीनी यात्री घनसांग ने भी अपनी पुस्तक में मरी का उल्लेख किया है। 5वीं सदी में बना यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, लेकिन उपेक्षा के कारण खंडहर हो चुका है। श्री वरुण देव मंदिर 1000 साल पुराने इस अद्भुत मंदिर को 1947 में बंटवारे के बाद भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। 2007 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल्स ने इस बंद पड़े और क्षतिग्रस्त मंदिर को फिर से तैयार करने का फैसला किया। जून 2007 में इसका नियंत्रण PHC को मिल गया, लेकिन इस मंदिर की देखरेख अभी भी नहीं होती है। स्वामी नारायण मंदिर सिंध प्रांत के कराची के MS जिन्ना रोड पर स्थित है। अप्रैल 2004 में मंदिर ने अपनी 150वीं सालगिरह मनाई। मंदिर में बनी धर्मशाला में लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी पहुँचते हैं। साधु बेला मंदिर सुखपुर 8वें गद्दीनशीन बाबा बनखंडी महाराज की मृत्यु के बाद संत हरनाम दास ने इस मंदिर का निर्माण 1889 में कराया। सिंध प्रांत के सुखपुर में बाबा
बनखंडी महाराज 1823 में आए थे। उन्होंने मेनाक प्रभात को एक मंदिर के लिए चुना। यहाँ होने वाला भंडारा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। राम मंदिर शेरपुर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसपास और पंजाब के रावलपिंडी शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद में पुराने समय के 3 मंदिर हुआ करते थे, एक सैदपुर, दूसरा रावलधाम और तीसरा गोलरा के मशहूर दारगढ़ के पास है। सैदपुर गांव में स्थित राम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये राजा मानसिंह के समय में 1580 में बनवाया गया था।